को एक ये जहेज के भेंट चढ़ा रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, हर एक मजहब के खिलाफ है. कल इस बेटी के साथ हुआ, पहले भी हमारी बेटी के साथ हुआ है. सो वी हैव टू जॉइन द हैंड्स टुगेदर टू रेज द वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट दिस जो डाउरी वगैरह है, डाउरी डेथ्स है. इसको इंसाफ मिलेगा, खानियार की लड़की को भी मिलेगा, पुलवामा की लड़की को भी मिलेगा, और जितनी भी बेटियों के साथ यहाँ ज्यादा हुई उनको भी मिलेगा. लेकिन वी हैव टू इनिशिएट समवेयर, वी हैव टू कम टुगेदर समवेयर. सो दिस इज 10 दिन के बाद FIR रजिस्टर हुई. जी मैडम, कैन यू टेल अस द रीजन व्हाई? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क देम. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज फॉर देम, व्हाई देयर वाज डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR व्हेन ललिता कुमारी इज वेरी क्लियर. When there is a Supreme Court Constitution bench ki judgment hai ki there has to be an FIR if the cognizable offence is there, why there was delay in registration of FIR? So ye sab cheeze jo hai, delay in registration of FIR, not sharing the details of the investigation, not giving a satisfactory reply to the parents, ye sab cheeze jo hai wo ek wo indicate karti hai ki kuch na kuch hai jo galat hai. कुछ ना कुछ है जो गलत है. एंड इट गिव्स अ रिप्लाई टू योर क्वेश्चन आल्सो कि देयर इज डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, दे हैव नॉट बीन शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद द पेरेंट्स, राइट? सो यू कैन वेल इमेजिन, हां, इवन द मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैज नॉट बीन शेयर्ड विद देम. दे वर सेइंग दैट दे हैव कम टू नो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे हैव कलेक्टेड, बट स्टिल दैट रिपोर्ट हैज नॉट बीन शेयर्ड विद देम. एंड बच्ची का इंश्योरेंस करवाया गया था, उसका इंश्योरेंस करवाया गया था बिफोर किलिंग हर. एंड इफ यू हैव सीन, इफ यू हैव सीन द फोटोग्राफ, इफ यू हैव सीन द फोटोग्राफ्स, आप देखिए उस बच्ची के शरीर पे मार्क्स. प्लीज मेक इट क्लियर हु हैज डन इट. हर हस्बैंड एंड इन-लॉज, दिस वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन. हर हस्बैंड एंड इन-लॉज हैव बीन डूइंग इट. एंड उसके बॉडी पे मार्क्स थे. अगर उसने खुदकुशी की होती तो उसके बॉडी पे मार्क्स क्यों आते? उसका थ्रोट ब्लीड क्यों करता? उसकी किडनी पंक्चर क्यों होती? मैडम, आप पुलिस स्टेशन अप्रोच किया आपने? यस, वी हैव बीन, सी वी हैव बीन, आई हैव बीन टॉकिंग टू द हायर अथॉरिटीज जब से मुझे इस केस के बारे में पता चला. एंड द डे आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस केस, आई हैव बीन स्पीकिंग टू द अथॉरिटीज, इवन वी वर इन टच. इट वाज लाइक अ कलेक्टिव अप्रोच की एक FIR रजिस्टर हुई. पहले तो एक FIR भी नहीं रजिस्टर हुई थी. FIR रजिस्टर नहीं हुई, वही कलेक्टिव अप्रोच से FIR रजिस्टर हुई. और FIR, देखिए, एक FIR ही रजिस्टर करना बड़ी बात नहीं होती है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना बड़ी बात होती है, ठीक है? हर सिरे से केस को देखना बहुत जरूरी होता है. इन्होंने मुझे बताया बच्ची के बाल निकले थे. कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिमिनल केस. सो क्या वो सब चीजें ध्यान में रखी कर, एक लेंसिटी शो करते, नहीं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते, साइंटिफिक मेथड्स नहीं अडॉप्ट करते, तो शायद उस केस को भी क्रैक नहीं किया जा सकता था. मो एक इम्पोर्टेंट बात है.